सुप्रभात बहनों, कक्षा एकादश गद्दी में पहला पाठ है प्रेमचंद जी द्वारा लिखा नमक का दरोगा। प्रेमचंद जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं। इनका मूल नाम धनपत राय था। सन 1980 में लहमी गांव में इनका जन्म हुआ। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये इनके उपन्यास हैं। सोजे वतन, मानसरोवर आठ खंड में, गुप्त धन, कहानी संग्रह, करबल्ला, संग्राम, प्रेम की देवी नाटक हैं। कुछ विचार, विविध प्रसंग, निबंध संग्रह हैं। और इनकी जो मृत्यु है वह सन 1936 में जो है हो गई थी। नमक का दरोगा जो हमारे यहाँ पे इनकी कहानी है, कह रहे हैं कि जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। समय उस समय की बात बता रहे हैं जब अंग्रेजों का शासन था और नमक पे जो है टैक्स लगाया गया, तो लोगों ने क्या किया कि नमक को चोरी छिपे जो है इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ, नए नए जो है छल प्रपंचों का जन्म हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौबारा थी, जो अधिकारी लोग थे वो चारों तरफ उनको फ़ायदा ही फायदा था। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ छोड़ कर लोग इस विभाग में बरकंदाजी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी लल जाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फासिंदा लोग सर्वोच्च पद पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे, जीवन का उनको लंबा अनुभव था। समझाने लगे, क्या समझाने लगे कि बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती जा रही हैं, मैं कारे का पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आए हो। मासिक वेतन तो पूर्ण मासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिसे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसमें बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊँ। इतना कुछ उनको समझाया और कहा बाद में बाकी तुम खुद ही समझदार हो, तुम्हें समझाने की आवश्यकता नहीं है। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो। इसके उपरांत ही जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दाव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपने पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे, जाते ही जाते नमक विभाग में दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा, ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाए। महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशा लता लहराई, पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। जाड़े के दिन थे और रात्रि का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े से समय में उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व ही 2 ओर जमुना बहती थी। इस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी
के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे, इतनी रात गई गाड़ियाँ क्यों नदी पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात ही बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी हैं गाड़ियाँ? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित औलोपदीन की। कौन पंडित औलोपदीन? दातागंज के। मुंशी बंशीधर चौंके। पंडित औलोपदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपये का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हों। व्यापार भी लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुरजे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके यहाँ मेहमान होते। बारहों मास सदा व्रत चलता था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाढ़ देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं, इनमें क्या लदा है? जब इस बार भी कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया, यह नमक के ढेले थे। पंडित औलोपदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियाँ रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित औलोपदीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। वो सोचते थे पैसे से सब कुछ किया जा सकता है। वह कहाँ करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी जी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। इन्हें वह जैसे चाहते थे नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद। कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी ही चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित औलोपदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते हैं, ना ही सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चलान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित औलोपदीन स्तंभित हो गए। गाड़ी वानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते हुए कभी नहीं देखा था। विचार किया, यह अभी उदंड लड़का है, माया मोह के जाल में नहीं पड़ा है, अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हमें ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते हैं। औलोपदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति पर पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबूजी को भेंट करो, आप इस समय भूखे सी हो रहे हैं। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीनता, दृढ़ता और देह दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलता। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 तक की नौमत पहुंची, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। औलोपदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे
आपको अधिकार है। बंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बल्लू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित औलोद्दीन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबराए, दो तीन कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ।